नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। देश में 8 महीनों बाद एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस, इन दो राज्यों में 40,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सरकार ने उठाया अहम कदम, फिर शुरू किए निगरानी केंद्र। दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार, IMD ने जताया। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई। 6 साल की स्कीम में 75% से अधिक का फायदा, SGB की गारंटी रिटर्न के साथ कमाई का मौका दे रही भारत सरकार। देश में एक्टिव केस की संख्या 19.24 लाख के पार, रिकवरी रेट भी पहुंचा 93.69%। पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का दिया मंत्र, कहा 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात की, कर्तव्यों को भूलने से कमजोर हुआ भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट में OBC आरक्षण देने का फैसला सही, AIQ सीटों में OBC को 27% कोटा। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर 15,000 से ज्यादा कार्यक्रमों की होगी शुरुआत, पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। किसान कॉल सेंटर की हुई शुरुआत, 30 लाख किसानों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। भारत के पक्ष में आर्थिक लय, अगले 10 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है देश, पुनीत रंजन। बिहार में एम्बुलेंस तस्करी, उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, 100 कार्टन शराब बरामद, तो खड़गिया में पकड़ा गया 1400 बोतल कप सिरप। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के लिए आवेदन शुरू, 936 पदों पर होगी भर्तियां। गोवा में BJP ने जारी की नई लिस्ट, मनोहर पर्रिकर के बेटे को नहीं मिला पणजी से टिकट। क्रिप्टो धारकों के लिए बड़ी खबर, बिटकॉइन की कीमत में गिरावट, इथेरियम भी खिसकी नीचे। गोरखपुर में रोमांचक होगा मुकाबला, सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर आजाद। राजस्थान में बैंक का लोन नहीं चुका पाया किसान, तो 46 लाख में नीलामी की गई 15 बीघा जमीन, प्रशासन ने रद्द कराई प्रक्रिया। हरियाणा में होगी कक्षा 5 और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। गुजरात में यात्रा के दौरान बिना मास्क और ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना पड़ा भारी, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चीन के खिलाफ जो बाइडेन ने दिखाए तेवर, कहा अभी नहीं हटाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट पर आयात शुल्क। वेस्ट इंडीज के भारत दौरे पर बदला कार्यक्रम, अब सिर्फ अहमदाबाद और कोलकाता में कराए जा सकते हैं मैच। बंगाल में IAS कैडर के नियमों में बदलाव पर ममता बनर्जी ने फिर पीएम मोदी को लिखा पत्र, जताया विरोध। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक के क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, उम्मीदों पर खरा उतरा, नई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल का नया वेरिएंट। झारखंड में सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 60 साल में होंगे रिटायर्ड, 50% बढ़ेगा वेतन। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर, 50 साल बाद सुलझ सकता है विवाद, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अमित शाह से करेंगी मुलाकात। प्रधानमंत्री शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन, अब लोगों को दिखेगा समुद्र का भी नजारा। यूपी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को लिखा पत्र। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, पीएम बोरिस जॉनसन ने की दूसरे प्रतिबंधों में ढील की घोषणा। कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाओं को दिया मौका।
नए साल में सस्ता घर दुकान खरीदने का बेहतर मौका। 31 जनवरी को पीएनबी कर रहा मेगा नीलामी। केजरीवाल ने मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल को दिया आप में शामिल होने का ऑफर। कहा पार्टी के टिकट पर लड़े गोवा चुनाव। अब QR कोड से होगी असली और नकली दवा की पहचान। 1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया नियम। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने मनाया पलायन दिवस। पीड़ितों के लिए की न्याय की मांग। 26 जनवरी से झारखंड में पेट्रोल पर मिलेगी 25 रुपए की सब्सिडी। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी की 59 उम्मीदवारों की सूची। खाटीमा में लड़ेंगे सीएम धामी। चीन में लोगों के आगे आई भूखे मरने की नौबत। दाने दाने को संघर्ष कर रहे लोग। कोरोना लॉकडाउन के चलते जरूरी चीजें हुई खत्म। राजस्थान में कोविड मृतक परिजनों के 10,000 से अधिक मुआवजे के आवेदन। 80% को जारी हुई राशि। बंगाल में मालदा में पुलिस का आतंक। व्यापारी के घर में की लूटपाट। 3 को किया गया निलंबित। अरुणाचल प्रदेश में किडनैप किशोर को लेकर इंडियन आर्मी ने चीनी सेना से किया संपर्क। कहा प्रोटोकॉल के तहत भेजे वापस। उत्तराखंड में कोर्ट ने खारिज की नरसिंहानंद गिरी की जमानत अर्जी। हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यति। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किशोर को किया किडनैप। राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा पीएम की चुप्पी ही उनका बयान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य हो सकती है बीजेपी में शामिल। केंद्र के निर्देश पर दिल्ली में फिर बढ़ाई गई कोरोना जांच। यहां तैनात की जाएगी मोबाइल टीमें। अब कार और बाइक का बीमा होगा महंगा। 20% तक बढ़ सकता है मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम। यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। जो बाइडेन ने चेताया अगर ऐसा हुआ तो चुकानी पड़ेगी इसकी बड़ी कीमत। जन्नी आम नहीं बेईमान आदमी। ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम केजरीवाल का पंजाब के सीएम पर हमला। यूपी में बीजेपी के नाराज नेताओं को एक्टिव करेंगे शाह। जानिए यूपी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी का क्या है प्लान। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में दर्ज हुए 4,402 नए संक्रमित। 6 संक्रमितों की भी मौत। दिल्ली में डीजल के बाद अब 15 साल पुराने 30 लाख पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। दिल्ली परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला यूपी में लागू करेगी कांग्रेस। सत्ता में आई तो सरकार किसानों से खरीदेगी गोबर। कोरोना इमरजेंसी में पड़ गई पैसों की जरूरत। उमंग ऐप के जरिए ईपीएफ से निकाल सकते हैं पैसा। बड़ी योजना लागू। गेमिंग सेक्टर में इतिहास की सबसे बड़ी डील करेगी माइक्रोसॉफ्ट। 68.7 अरब डॉलर में खरीदेगा एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। 15,000 से ज्यादा कार्यक्रमों की होगी शुरुआत। पीएम मोदी आज दिखाएंगी हरी झंडी। किसान कॉल सेंटर की हुई शुरुआत। 30 लाख किसानों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।